नमस्कार, हेक्स न्यूज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं शहर से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों के साथ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे का शुक्रवार को फिरोजाबाद में जोरदार स्वागत किया गया। भाजपाइयों ने फूल मालाएं व साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे का शुक्रवार को भाजपाइयों ने फूल माला पहनाकर व साफा बांधकर जोरदार स्वागत किया। स्वागत के समय भाजपाइयों में स्वागत करने की होड़ लगी रही, इसके चलते कुछ समय के लिए तो स्वागत समारोह में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। अपने स्वागत से अभिभूत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सभी को धन्यवाद देते हुए वर्ष 2019 के चुनाव में जुट जाने का आह्वान किया। हेक्स न्यूज के लिए अमन जैन की रिपोर्ट। संयुक्त रूप से 14 अप्रैल अम्बेडकर जी की जयंती से लेकर 5 मई तक का एक 21 दिन का एक पूरा पखवाड़ा चला रखा है, जिसको नाम दिया ग्राम स्वराज अभियान। इस पर एक विशेष पहल की गई है कि हिंदुस्तान के ऐसे 20,000 गांव चिन्हित किया केंद्र सरकार, जहां दलित जाति की आबादी 1,000 से ज़्यादा हो, उस गांव को विशेष रूप से भारत के विकास के हर विषयों की मुख्यधारा में लाना और सरकारों के कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ वहां पहुंचना सुनिश्चित हो, इसके लिए उन गांवों में विशेष दौरा, रात्रि प्रवास आदि करना कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए। इसमें उत्तर प्रदेश के लगभग 3,000 गांव आते हैं केंद्र की सूची के अनुसार, उसमें 36 गांव इस जिले में भी आए।